ऑस्कर जीतने वाला जोकर फिल्म जो पूरी दुनिया में धूम मचाया था। 2024 में इसका दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है, तो चलिए जानते हैं कि जोकर 2 का हाल इस समय कैसा है। जोकर 2 के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खराब प्रदर्शन कर रही है। वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स की म्यूजिकल साइकोलॉजिकल थ्रिलर के नाम सबसे खराब रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। जोकर 2 को बहुत एक्साइटमेंट के साथ लॉन्च किया गया, लेकिन दुख की बात ये है कि इसका हाइप उतना नहीं दिखा जितना होना चाहिए था। जोकर की पहली फिल्म ने ऑस्कर तक जीत लिया था, लेकिन इसके दूसरे पार्ट को देखकर लोगों में वो दीवानगी नहीं दिखी। जोकर फोली ए डेक्स या जोकर 2 के नाम एक ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड बन गया है जिसे कोई भी निर्माता नहीं चाहेगा। निर्माता ने जैसा उम्मीद लगाया था अपनी उम्मीद पर फिल्म उतर नहीं पाया। फिल्म पहले ही हफ्ते में अपना रंग दिखाने लगे। यह फिल्म $1 बिलियन की कमाई करने वाली जोकर की एक अलग ही सभी थी, जिससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी। दोस्तों, फिल्म को म्यूजिकल बनाकर पेश किया गया, लेकिन ये तड़का भी दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आया। जोकर नाच गाने में खो गया और कहानी में दम नहीं बचा। फैंस को उम्मीद थी कि पार्ट 2 में भी वैसा ही पागलपन दिखेगा, लेकिन ये उम्मीद टूट गई। इस समय यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी स्थिति की ओर बढ़ रही है। दरअसल बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने पहले वीकेंड पर $40 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो इसके पहले पार्ट की कमाई के आधे से भी कम है। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट रही है। सेक्निल के मुताबिक इसके बॉक्स ऑफिस पर वापसी की संभावना भी बेहद कम है। हालांकि विदेशों में इसने सम्मानजनक शुरुआत की है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में $81 मिलियन की कमाई की है। फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्स ऑफिस पर भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। यूके में जोकर की शुरुआत $8 मिलियन से हुई थी, उसके बाद जर्मनी में $6.9 मिलियन, इटली में $5.6 मिलियन, मेक्सिको में $5.5 मिलियन और फ्रांस में $5 मिलियन की कमाई की। भारत में 5 दिन यानी कि एक सप्ताहांत के बाद फिल्म लगभग $1.65 मिलियन के कलेक्शन के साथ बहुत खराब रही। जोकर 2 की दुनिया भर में ओपनिंग $121 मिलियन रही, जो कि बहुत ज्यादा खराब है। साल 2019 में जोकर ने दुनिया भर में $247 मिलियन की ओपनिंग की। दोस्तों, ऐसे ही फिल्मी जानकारी पाने के इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें।